जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार जीके जीएस बाई प्रबल सर में। आज हम लोग हैं बिहार में, और बिहार की बात करें तो बहुत ही मतलब एक से एक पुरोधा की बात करें, एक से एक आपके महान लोगों की बात करें तो उसकी जन्म स्थली और ज्ञान स्थली रही है, इसको आप लोग समझिएगा। जैसे अगर बात करें भगवान, अगर महात्मा बुद्ध की बात करें, ठीक है, भगवान महावीर की बात करते हैं, इन सब लोगों से संबंध आपका बिहार है। आर्यभट्ट की बात करते हैं, कौटिल्य की बात करते हैं, अश्वघोष की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों एक से एक मतलब यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे जन्म लिया, और जिसके चलते बिहार की धरती आपकी धन्य हो गई। तो बिहार के बारे में आपको दिखाया जाए तो बिहार का मैप आप जब देखोगे तो बिहार के मैप में सबसे पहले देखो, जैसे बेगूसराय मैंने आपको बोल दिया, क्या बोल दिया भाई साहब कि आपको बेगूसराय को खोजना है, बेगूसराय खोज दिया। अब बेगूसराय में क्या आपके फेमस चीजें हैं, तो बेगूसराय में आपका सिमरिया मेला लगता है। बेगूसराय में सिमरिया घाट जो है वो किसका जन्म स्थान रहा है भाई साहब, राष्ट्रकवि दिनकर का स्थान रहा है। और बेगूसराय में और बड़ी बात आपकी क्या देखने को मिलती है, तो यहाँ पे एक झील है जिसको कांवड़ झील के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आज मैं आपको बिहार में स्थित झीलों के बारे में और उससे रिलेटेड बातों की चर्चा आपके सामने आज करूंगा। तो चलेगा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आपके बिहार में कौन कौन से झील है जो कि आपके इम्पोर्टेंट है, जिसको हमको समझना जरूरी है। अगर अनुपम झील की बात करें तो ये आपके कहाँ पे है, कैमूर में स्थित है। कैमूर क्या है भाई साहब, आपको पता है बिहार का एक आपका जिला है जो आपके किसके साथ अपनी सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। तो अनुपम झील की बात करें तो ये आपके कहाँ पे है भाई साहब, तो कैमूर में है, इसको याद रखिएगा। कांवर झील की बात करें, देखिए इस पे स्टार लगा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कांवर झील की बात करें तो बेगूसराय, तो A4 अनुपम, अनुपम झील कहाँ पे है भाई साहब, कैमूर, एक के याद रखिएगा, पहला क्या याद रखिएगा, एक के। कांवर झील की बात करें तो बेगूसराय, यानी कि क्या याद रखना है, KB, AK KB याद रहेगा भाई साहब, ठीक है। कुशेश्वर स्थान की बात करें, कुशेश्वर स्थान की बात करें तो KD, यानी कि D से क्या हो जाएगा, दरभंगा की बात करें। गोगा बिल की बात करें, यानी कि जी के आप लोग पढ़ते हैं ना, तो गोगा बिल किससे भाई साहब रिलेटेड, कटिहार से। ये के कुशेश्वर स्थान किससे रिलेटेड, तो आपके दरभंगा जिले से। या के कहने की बात करें तो के जब भी बोले तो कांवर झील और ये बेगूसराय से रिलेटेड। ए की बात करें तो अनुपम झील कैमूर जिला से रिलेटेड। अब सिमरी बख्तियारपुर झील की बात करते हैं तो S4 सिमरी बख्तियारपुर झील और S4 सहरसा, तो SS याद रखिएगा। बरेला झील की बात करें तो आपके ये कहाँ पे, वैशाली, तो BB याद रखिएगा। यानी कि देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए बरेला अगर बात करें झील की बात करें तो आपके कहाँ पे है, तो वैशाली में। सिमरी बख्तियारपुर झील की बात करें तो S से सिमरी और S से सहरसा, ठीक है जी। और सहरसा की बात करते हैं तो यहाँ पे महिला साक्षरता दर की बात करें बिहार में सबसे कम देखने को मिलती है। गोगा बिल झील की बात करते हैं तो ये आपके किसकी बात करते हैं, कटिहार, तो G4 गोगा बिल और आपके K4 कटिहार, यानी कि GK। KD की बात करते हैं, K4 आपके क्या हो जाएगा, कुशेश्वर स्थान और ये कहाँ पे, दरभंगा जिला में। K की बात करते हैं तो कांवर झील, ये आपके बेगूसराय जिला में। और A की बात करते हैं अनुपम झील, ये आपका कहाँ पे, कैमूर में। अब देखिएगा यहाँ पे आपका स्टार लगा हुआ है कुशेश्वर स्थान पे, कांवर झील की बात करते हैं तो ये जो आपके स्थान है जहाँ पे भी आपका स्टार लगा हुआ है, ये आपके राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, संरक्षित है, ठीक है जी। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ये संरक्षित है, कांवर झील और कुशेश्वर स्थान आपके झील की बात करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब आइए आपको मैं थोड़ा सा आज कांवर झील की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, ठीक है जी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है जी, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एरर है जिसको आपको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरे को वक्त की जरूरत होगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको समझनी है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा आपका कुछ कुछ गड़बड़ मामला हो गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलेगा, सबसे पहले हम आप सीखते हैं कि कांवर झील की बात करते हैं तो कांवर झील ये आपके कहाँ पे है, बेगूसराय जिला में स्थित है और ये राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ये आपका आता है। और इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये आपके बेगूसराय के मझौल गांव की बात करते हैं, कहाँ पे बात करते हैं, मझौल गांव में आपको स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील,
अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील के नाम से किसको पुकारा जाता है, तो उसको उसका नाम क्या है, कांवर झील की बात करते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें और ये इसका निर्माण कैसे होता है भाई साहब, तो बूढ़ी गंडक के विसर्पण के चलते इसका निर्माण होता है। तो कोई पूछता है कि किस नदी के अगर बात करें विसर्पण से आपका कांवर झील का निर्माण होता है, तो बूढ़ी गंडक के विसर्पण के चलते आपके कांवर झील की बात करते हैं, इसका निर्माण होता है। पूर्वोत्तर भाग की सबसे बड़ी झील के तौर पे इसको देखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो पूर्वोत्तर भाग की सबसे बड़ी झील के तौर पे किसको देखा जाता है, कांवर झील की बात करते हैं। और नवंबर 2020 में अगर बात करें तो इसको रामसर साइट में क्या किया गया है, शामिल किया है। बिहार का ये पहला ऐसा मतलब ये इस स्थिति पैदा हुई है जहां की आपको रामसर साइट इसको घोषित किया गया है, और ये भारत का 39वां रामसर साइट इसको घोषित किया गया है। कब किया गया है, तो नवंबर 2020 में। तो बिहार का प्रथम रामसर साइट किसको घोषित किया गया है, तो कांवर झील को। और ये कौन से स्थान पे है, 39वें स्थान पे। कब घोषित किया गया, नवंबर 2020 में। ये कहाँ पे है, तो मझौल गांव में। मझौल गांव कहाँ पड़ता है, बेगूसराय जिले में। और ये पूर्वोत्तर भाग की सबसे बड़ी झील के तौर पे देखा जाता है। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो बूढ़ी गंडक के विसर्पण के चलते इसका निर्माण होता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और यहीं पे इसके आसपास शोध कार्य के लिए बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना भी की गई। तो बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना आपके इस झील के आसपास में की गई है, इसको याद आप लोग रखिएगा। और इसी की बात करते हैं, इसको काबर ताल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का क्या है, आश्रय स्थल है। साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल कौन है भाई साहब, तो कांवर झील की बात करते हैं, ठीक है जी। और इसी से मेरे प्यारे साथियों 6 किलोमीटर की दूरी पर आपके जयमंगलागढ़ है, जहां पे मेरे प्यारे साथियों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरीके से अगर आप कोई भी सैलानी घूमने जाते हैं तो उनको 2 रूम वहां पे है, 2 कमरे का रूम है, तो वहां पे उसको ये आवंटित किया जाता है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर बात करें, इसको याद रखिएगा, 60 प्रवासी पक्षियों का ये क्या है, घर है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको कांवर झील के बारे में जितनी जानकारी पता होनी चाहिए आपको हो चुकी है। तो चलिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ दृश्यों को देखिए। यही आपका क्या है, बेगूसराय का कांवर झील है। अब आगे देख लीजिए, थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ। यही आपका क्या है, बेगूसराय का कांवर झील है, जो कि आपको देख सकते हैं, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये आपका जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपम झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, अनुपम झील है। ये कौन सा झील है भाई साहब, अनुपम झील, जो कि आपके कहाँ पे है, कैमूर में है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये झीलों के मतलब दृश्य के बारे में दिखाया जा रहा है। और ये आपके क्या है भाई साहब, ये कुछ आपकी झीलें हैं जिसको मैंने आपको चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है जी। ये बच्चे देख रहे हैं, भाई साहब अपना घूम रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग गोगा बिल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गोगा बिल। तो जी फोर गोगा और के फोर क्या, कटिहार। तो जी के आप लोगों को याद रहेगा, एसएस आप लोगों को याद रहेगा है। और उसके बाद अगर बात करें तो केडी याद रहेगा, क्या याद रहेगा, केडी। और एक क्या याद रहेगा, केबी याद रहेगा। और एक आपका क्या याद रहेगा, एके याद रहेगा। तो इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो आप लोग आसानी से किसी चीज को पकड़ पाएंगे, ठीक है जी। तो झील से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। तो गोगा बिल की बात करते हैं, तो बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व इसको घोषित किया गया है। गोगा बिल झील की बात करते हैं, जो कि आपके कटिहार में स्थित है, इसको बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। ये बिहार के कटिहार जिले में आपका क्या है, अवस्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक प्रकार की गोखुर झील है, ठीक है जी। ऑक्स बाउ लेक के तौर पे देखा जाता है इसको। तो ये एक प्रकार की गोखुर झील है। और विश्व की एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील की बात करें, उसका नाम क्या है, कांवर झील की बात करते हैं, जो कि आपके बेगूसराय में है। झील के 57 हेक्टेयर क्षेत्र को कम्युनिटी रिजर्व और 30 हेक्टेयर क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर अधिसूचित किया गया है। यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व के तौर पे 57 हेक्टेयर जमीन यहाँ के झील के आसपास की बात करते हैं, और 30 हेक्टेयर क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पे क्या किया गया है, अधिसूचित किया गया। बिहार की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि में से एक है ये। अगर बात करें किसकी बात करते हैं, गोगा बिल की बात करते हैं, तो बिहार की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि में से एक है, इसको याद रखिएगा। 1990 में क्लोज्ड एरिया के तौर पे गोगा बिल क्षेत्र को संरक्षित किया गया था है। 1990 की बात करते हैं तो इसको क्लोज्ड एरिया के तौर पे इसको संरक्षित किया गया था। 2002 में क्लोज्ड एरिया की अवधारणा समाप्त हो गई थी,
2002 में क्लोज एरिया की अवधारणा समाप्त हो गई। 2002 के बाद से यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी से बाहर हो गया था। संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी से कौन कौन बाहर हो गया, कौन कब बाहर हो गया था, 2002 के बाद। और इसे 2004 में इंपोर्टेड बर्ड एरिया ऑफ इंडिया IBA की बात करते, क्या नाम है भाई साहब, इंपोर्टेड बर्ड एरिया ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया गया था। गोगा बिल में रामसर साइट ऑफ इंडिया के रूप में शामिल होने की सारी विशेषताएं आपकी क्या है, मौजूद है, फिर भी ये आपकी उसमें शामिल नहीं है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको आपको समझना जरूरी था। तो ये आपके झीलों से संबंधित बातें थी और ये झीलों के कुछ आपके दुरुस्त थे। देखिए भाई साहब प्रवासी पक्षी अपने हिलोरे मार रही है और मेरे प्यारे साथियों देखिए भाई साहब ये लोग अपना नाव से घूम रहे हैं और मेरे प्यारे साथियों देखिए इनकी खूबसूरती के बारे में क्या ही कहा जाए, इनकी खूबसूरती का चर्चा जितना किया जाए उतना मेरे प्यारे साथियों कम होगा। तो बताइए आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे लिखवाना अब चाहूँ कि मेरे प्यारे साथियों कौन कहाँ पे है तो आप लोग अब लिख देंगे कि नहीं, तो आप यहाँ पे क्या टॉपिक लिखेंगे बताइए, आप यहाँ पे क्या टॉपिक लिखेंगे बताइए भाई साहब बताइए। मैंने बोला कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बिहार की झीलें, क्या लिखेंगे भाई साहब, बिहार की झीलें की बात करेंगे। अब झीलें लिख दिया आपने तो झीलों के बारे में आपको बताना भी तो होगा, झीलों के बारे में आपको क्या करना होगा, बताना भी तो होगा। तो बोलेंगे जी सर जी बिल्कुल बताएंगे। तो मैंने पहला आपको ट्रिक क्या बताया, पहला ट्रिक क्या बताया आपको, AK बताया, क्या बताया भाई साहब, AK। तो AK का अर्थ क्या है, एक और आपके अनुपम झील की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अनुपम झील की बात करते हैं, इसको याद रखिए। और ये आपके कौन से जिले में, तो ये आपके कैमूर जिले में, ठीक है जी, कौन सा जिला भाई साहब, कैमूर जिला की बात करते हैं। दूसरे की बात करें तो आपका AK के साथ कौन आ जाएगा भाई साहब, KB, मैंने क्या बताया भाई साहब, KB। तो KB की बात करते हैं, K4 आपका कौन सा हो जाएगा, कांवर झील, K4 आपका कौन सा हो जाएगा, कांवर झील। और ये आपके कौन से जिले में, तो B4 आपका कौन सा, बेगूसराय की बात करते हैं, कौन सा जिला भाई साहब, बेगूसराय जिला की बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बोलेंगे कि जी सर यहाँ भी समझ गया, मैंने बोला तीसरा ले लो भाई साहब, ये अब तीसरे की बात करें तो आपका कौन सा आ गया, KD आ गया, K से क्या आ गया भाई साहब, KD आ गया। तो K से आपका क्या हो गया, कुशेश्वर स्थान की बात करते हैं, किसकी बात करें, कुशेश्वर स्थान की बात करते हैं, ये भी आपका क्या है, झील है, इसको याद रखिएगा, कुशेश्वर स्थान झील की बात करें। और D4 ये आपके कहाँ पे भाई साहब, दरभंगा में देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब बोलेंगे जी ये भी समझ गया, अब मैंने बोला कि एक और आपको याद हुआ, बोले कि कौन सा, तो GK, कौन भाई साहब, GK। तो G4 आपके कौन हो गया, G4 आपकी बात करें तो उसका नाम क्या है भाई साहब, गोगा बिल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गोगा बिल की बात करते हैं, इसको याद रखिएगा, गोगा बिल झील की बात करें। और K से अगर बात करें तो कौन सा जिला, कटिहार जिला की बात करते हैं, कौन से जिला की बात करें, कटिहार जिला की बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर अगर बात करें अगले की, तो अगले की बात करें तो अगला कौन है भाई साहब, अगर बात करें S से बात करें तो सिमरी बख्तियारपुर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिमरी आपके कौन सा भाई साहब, बख्तियार, ठीक है जी, सिमरी बख्तियारपुर झील की बात करते हैं। तो ये आपके कहाँ पे है, तो सहरसा में, ये कहाँ पे भाई साहब, सहरसा की बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों अगर बात करें तो और एक बच गया जिसका नाम क्या है, आपके बरैला झील की बात करते हैं, बरैला सलीम झील बोल लीजिए और अच्छा रहेगा, ये आपके कहाँ पे है भाई साहब। तो इसका मैंने ट्रिक क्या बताया, SS बताया था, और इसका क्या बताया था मेरे प्यारे साथियों, BV बताया था। तो B4 क्या हो जाएगा, ये कौन से जिला में आपके हैं, तो वैशाली जिला, कौन से जिला में भाई साहब, ये आपके जो है, ये आपके कौन से जिला में, वैशाली जिला, कौन सा जिला, वैशाली जिला। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए, इस तरीके से अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, तो ये सारे आपके जिलों से रिलेटेड समस्याएं आपकी क्या हो गई, दूर हो गई। तो मजा आया आप लोगों को, मैं आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे तो आप नहीं फंसेंगे। और बिहार का प्रथम रामसर साइट किसको घोषित किया गया है, तो कांवर झील की बात करते हैं, ये भी पॉइंट आप कभी मिस नहीं करेंगे, ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूं, ठीक है जी। तो चलिए इनसे मैं अब लेता हूं विदा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, इनको आप लोग टाटा बाय बाय बोल दीजिए, और इनको आप लोग झीलों का दर्शन अब ये करें, हम लोग चल रहे हैं, इनको झीलों का दर्शन करने दिया जाए, अब हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों, ठीक है जी, फिर मिलेंगे, चलते चलते।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। अब अगर आप लोगों की थोड़ी सी टाइम मिले आप लोगों को तो कभी कभी कमेंट वमेंट भी कर दिया कीजिए कि आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आपके सपने, आपके सोच। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।